बाइक आज डिलीवर होने वाला है, बहुत ही एक्साइटिंग डे। मेरा दोस्त है नदीम, उसके आज बर्थडे है, सो हमने उसके लिए केक मंगाया है। सो मेरे दोस्त लोगों का आपको पता होगा, हम सब जो है साथ में राइड करते हैं। बेसिकली एक बाइक शोरूम के आगे, तो अभी एक बाइक का डिलीवरी है और हम लोग स्टार्ट किए थे 9:30 बजे, 10 बजे पहुंच गए। वैसे अभी आज थोड़ा बहुत धूप निकला, वैसे तो सुबह से बारिश हो रहा है। मतलब आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, पूरा रेन सुबह से बारिश, परेशान हो चुके भाई। बट अभी एक एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि वो जो आप लोग शोरूम दिख रहा है ना, वहाँ पे बाइक डिलीवरी है। अब बाइक डिलीवरी कौन सा है वो आप लोगों को अंदर पहुंच के बताते हैं किसका बाइक डिलीवरी है। और बाइक आज डिलीवर होने वाला है, बहुत ही एक्साइटिंग डे। देखो बाइक्स तो काफ़ी सारी लगी हुई हैं एंड बुलू भाई ने बेसिकली मीटअप भी प्लान किया हुआ है, तो अभी देखते हैं कौन कौन आया हुआ है। तो देखो यहाँ पे तो लाइनअप लगा हुआ है। यार ये वाला KTM 390 का मेरे को कलर बहुत अच्छा लगता है, इसमें पूरा मैट फिनिश में दिया हुआ है, अमेजिंग क्वालिटी यार। मतलब पेंट क्वालिटी से भी पता लग रहा है काफ़ी अच्छी है। एंड बेसिकली ब्रेकफास्ट के लिए मिला था यहाँ पे, मीटअप भी करा रखा है गुलू भाई ने, और मज़ेदार सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके मज़ा आ गया। ब्रेकफास्ट राइड तो नहीं थी बट ब्रेकफास्ट यहाँ ज़रूर हो गया। एंड यहाँ पे अभी इंट्रो चलेगा बाइक का जो ब्लू भाई ने राइड की है, और इसके बाद में अभी आप लोगों का क्या प्लान है वो भी आगे राइड का आप लोगों को पता लगेगा। अभी इंट्रैक्शन चल रहा है बाकी सब लोगों से, एंड उसके बाद में KTM शोरूम के ओनर आएंगे, उसके बाद में अनवील करेंगे कौन सी बाइक बेसिकली हम लोग ले रहे हैं। तो So in KTM, the purity, performance, adventure and extreme, these are the four pillars that machines are built upon. So if you talk about purity, it's everything that machine is there, it will give you everything on basis the situation, basis the track you are running on. King of Dakar. So 18 championships of Dakar Rally have been won by KTM Dakar Rally bike. And Toby Price has been the person who won the race last. But I was thinking about how to go. And then I went. इसमें क्या हुआ, जो रास्ता है और ये जो ऑफ रोड है उसके बीच में गड्ढा है, तो उसमें बाइक नहीं जा पाएगा। So you have to find out a way. So मैंने दोबारा गया और दोबारा वो रास्ता भी भूल गया कि यहाँ जाना कैसे है। फिर मैंने बोला यार नहीं होगा, ये लोग तो आ नहीं रहे। फिर मैंने घुमा के वापस गया, तो मैंने आगे की बोले कि चलो ठीक है आपको यहाँ से निकालना है। एंड देयर वाज अ जंप, देयर वाज अ क्या बोले जो गड्ढा है उसके इस तरफ एक थोड़ा सा इंक्लाइन है। एंड दिस गाइस वाज सेइंग कि यू हैव टू जंप फ्रॉम देयर टू देयर। मैंने ये सब मैं यार नहीं कर पाऊंगा, ये चल मत उससे नहीं होगा, ये ऊपर जाऊंगा मैं टायर वायर तोड़ देगा, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं जाना है। मैं चल रहा हूँ तो बाइक कैसे देखते कैसे क्या कर रहा है। यू डोंट बिलीव, trust me, that is the way these instructors they give you confidence, because isme na bahut zyada right skill bahut zaruri hai. Wo video ko thoda aapko drive pe hi mai kal lagaya tha, to download kar kar ke rakhiye. And he said ki there is a small stone, you have to just step over it and then you have to jump. Wo dekhne mein bahut easy lagta hai lekin aap believe nahi kar rahe ho. It's concrete, trumpet balls, magnetophone. Yatra get here be better hai bhai. So yes, that's a tongue twister. मेरा दोस्त है नदीम, उसके आज बर्थडे है, सो हमने उसके लिए भी केक मंगाया है। सो मेरे दोस्त लोगों का आपको पता होगा, हम सब जो है साथ में राइड करते हैं। पुलक यहाँ पे है, नदीम है, त्रिदीप है, वहाँ पे अभिजीत आप देख सकते हो, मचो मैन इज ऑल्सो देयर, एंड देन उत्कर्ष है, विराज भाई है, एंड कौन डॉक्टर आपको अक्षय पता होगा। सो हमारे ग्रुप में सबसे एग्रेसिव राइडर जो है अक्षय है, डॉक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा उनकी राइडिंग स्किल मैच नहीं करता उसके साथ, तो वो है। एंड देयर आर ऑल्सो देयर, सो एंड माय वाइफ इज देयर,
Millie and my daughter is there. I think she's getting bored. बोलता है ये हमेशा delivery delivery चलता रहता है. तो ये scene है. करो. Happy birthday to you. Happy birthday. चलो अभी कट करो सबके लिए. नदीम बैठ के सबके लिए कट कर. अब जो ये अनविल होगा, एक केक भी कट होगा, उसके बाद अनविल होगा. और थोड़ा सा अच्छा सा सेशन था, प्रो एक्सपी के बारे में हम लोग बात किए. फैमिली के साथ राइड करते हो प्लीज बताओ. विराज भाई को छोड़ के कहाँ गए? देखो यार ये एक बहुत बड़ी चीज है. सच बोलता हूँ, अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट नहीं है आप कोई बाइकिंग नहीं कर पाओगे. सच में ऑनेस्टली क्योंकि कांग्रेस बाइक खरीद नहीं एक महीने पहले से बताना पड़ता है, माहौल क्रिएट करना पड़ता है. ये होने वाला है इसको इसको हम लोग क्या बोलते होते हैं, ब्राउनी पॉइंट. ये भाई साहब ने बोला है, हम लोग एक फोन करेंगे कि अरे तो आ नहीं रहे हो, कॉफी पी के चलो. उनको डेली में थोड़ा सा ब्राउनी पॉइंट कलेक्ट करो. एक ऐसे माहौल में करना पड़ता है, होने वाला है. बोला दिखा भाई गुड हस्बैंड. हां सडनली बताओगे तो कैंसिल. सही बात है. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग. बारिश वाला माहौल है, मतलब लोगों को लग रहा है कि सुबह सुबह सो जाएंगे सर, लेकिन आए हैं, बहुत बड़ी बात है. तो फाइनली ये KTM 390 नया वाला, इसका डिलीवरी हो चुका है. और कैसा लग रहा है फिर नई बाइक लेके? राइड ही राइड होएंगी अब इस पर. तो अभी बहुत सारे प्लान है इस वाली बाइक के साथ में, कई सारे मॉड्स होंगे इस पर, कई सारी मतलब
PPF होएगी उससे पहले, तो जैसे कि इसका कलर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, इसका पूरा मैट ब्लैक का, मतलब मैट ब्लू कलर का फिनिश है, पेंट क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इन स्टॉक मतलब बाई डिफ़ॉल्ट इसके साथ में दी जा रही है, जैसे ये साइड में एक डिज़ाइन हो गया इसका, देन हैंडल गार्ड हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पहले से दे दी गई हैं, 2021 वाले मॉडल में ये सारा नहीं था, बट अभी देखो कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल गया है, और इसका डिस्प्ले अभी तो बता रहे हैं, वैसे इसमें काफ़ी सारे जो क्लस्टर इश्यूज थे पहले वाले मॉडल में वो सारे चले गए हैं अभी, तो अभी काफ़ी स्टेबल गाड़ी है, इवन रेव करके भी पता लग रहा है काफ़ी डिफरेंस है इसमें। चलो तो आज का ब्लॉग करते हैं ये एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और बाकी सारी